योगी के मंत्रियों ने बांटे दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता उपकरण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बलिया में निःशुल्क सहायता उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी शामिल रहे। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा देने के क्रम में लगातार प्रयास कर रही है। वही परिवहन विभाग भी ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को यात्रा के दौरान सुविधा प्रदान कर रहा है। वही दयाशंकर सिंह ने कहा कि मंत्री नरेंद्र कश्यप का संगठन का प्रभारी भी हो। वही परिवहन मंत्री ने अपने सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया कि बलिया जनपद में जो काम मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा है। आप प्रपोजल बनाकर भेजिए, बलिया के एक भी दिव्यांगजन न हो जो उनको चाहे वो उनको न मिल सके। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट। तो बलिया जनपद में जो लाभ मिलना चाहिए वो अभी उतना नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ से प्रपोजल बना करके भेजिए, बलिया के एक भी दिव्यांगजन ऐसे न हो जिनको जो उपकरण चाहे उनको न मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से बलिया के लिए अलग से बजट के लिए व्यवस्था करने के लिए कहूँगा। आप यहाँ के सभी प्रपोजल बना करके भेजिए। मंत्री जी, आज दिव्यांगजनों को जो है तमाम उपकरण जो है वो दिए गए, कितना बड़ा दिन है उनके लिए और सरकार क्या मानता है दिव्यांगजनों को लेकर? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में माननीय हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगों के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं उन्होंने संचालित की है। आज पूरे देश में 75 जनपदों में जो दिव्यांगजनों से जो संबंधित जो योजनाएं हैं उसका और जो उपकरण वितरण था, आज जितने लोगों ने आज बलिया में रजिस्ट्रेशन कराए थे उन लोगों को सभी लोगों को जो आज यहाँ उपलब्ध हो गए हैं उनको ट्राई साइकिल से लेकर के और अपने जो कान में जो सुनने का यंत्र होता है वो सब वितरित किया जा रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका आज उद्घाटन किए और बलिया में हम लोग के राज्यसभा सांसद आदरणीय नीरज शेखर जी और हम सभी जो है जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर मौजूद थे। तो आज बलिया के सभी हमारे जो छोटे बच्चों से लेकर के और जो हमारे जो भी बुजुर्ग भी हैं वो सभी लोगों को आज ट्राई साइकिल दी गई और सबको कान में जो सुनने की जो यंत्र है उसको दोनों कानों के लिए आज उपलब्ध कराया गया है और भी जो भी यंत्र हैं जो दिव्यांगजन से संबंधित सभी को आज जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और जितने लोग आज यहाँ उपस्थित हैं सबको 100% आज जो है उनको उपलब्ध कराया गया। आप परिवहन मंत्री हैं, दिव्यांगजनों की अगर हम बात करें तो कई बार उनको दिक्कतें आती हैं कहीं आने जाने में, तो बतौर परिवहन मंत्री जो है दिव्यांगजनों को किस तरीके की सुविधाएँ आपका विभाग देने? देखिए, हमारे विभाग में दिव्यांगजन को निःशुल्क जो है यात्रा के लिए पहले से व्यवस्था है और उनके लिए मैं सीटों पर भी लिखवा दिया हूँ, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और जो लोकतंत्र सेनानी और पत्रकार और हमारे जो दिव्यांगजन उनका हमारे यहाँ सीट निर्धारित रहता है। कोई यदि बैठा भी रहे और यदि वो उस समय उपलब्ध हो जाएंगे तो सीट खाली करनी पड़ती है और मैं जो हमारी जो एसी बसें थी उस पर भी अब मैं जो है उन लोगों को मैं अलाउ किया हूँ कि वो लोग भी उस पर भी यात्रा कर सकते हैं। उसका रिजर्वेशन के लिए मैं एक अलग से काउंटर खुलवा रहा हूँ जहाँ पर वो केवल एक फ़ोन करेंगे उनकी जो है बुकिंग हो जाएगी।